जितना सब कर सकते थे देखो पड़ोसी के साथ रिश्ते बेहतर बनाने के लिए हमारे सभी प्रधानमंत्रियों ने किया है, लेकिन विडंबना यह है यह पड़ोसी है कि मानता ही नहीं। एक बात कि हमारी जो स्पीच ब्लैकआउट कर दी गई, अब वहां पर क्या इसके पहले परंपरा रही है उसके बारे में मुझे विदेश मंत्रालय से विस्तृत जानकारी लेनी पड़ेगी, क्या परंपरा रही है उस परंपरा की जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए उस संबंध में तो कुछ मैं नहीं कह पाऊंगा। लेकिन यह सच है कि भारत से जो दूरदर्शन और ANI के रिपोर्टर और हमारे PTI के रिपोर्टर्स थे उनको अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं दी। SAR के सभी सदस्यों से आग्रह किया कि वे आतंकवाद को न तो ग्लोरीफाई करें न ही पैट्रोनेट दें। एक देश का आतंकवादी किसी के लिए भी मार्टायर या स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। आतंकवाद को बढ़ावा नहीं मिले इस हेतु मैंने कहा कि जरूरी है कि न सिर्फ आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध बल्कि उन्हें समर्थन देने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों और राष्ट्रों के विरुद्ध भी कठोर से कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। हाँ, यह बात सच है कि मीटिंग समाप्त होने के बाद दोपहर की जो होस्ट थे वहां के गृहमंत्री जी ने, उन्होंने सबको लंच पर आमंत्रित किया, लेकिन लंच पर आमंत्रित करने के बाद वो तुरंत गाड़ी पर बैठे और चले गए। डिप्टी चेयरमैन सर कि मुझे इसको लेकर कोई नाराजगी नहीं, मैं वहां भोजन करने नहीं गया।